Hey foodies, what's up? आप देख रहे हैं फूड ट्रेंड्स, मैं दिलबीर सिंह आप सबके साथ। दोस्तों आज मैं आया हूँ, बैकग्राउंड देख लिए होंगे, यम यम कैफ़े। दोस्तों यम यम कैफ़े मतलब कुछ नाम से ही पता चल रहा है, बहुत ज़्यादा यमी यमी चीज़ें खाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे एंड आई नो आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। तो दोस्तों मैं आया हूँ यम यम कैफ़े, जैसा कि आपको पता है, और यहाँ का जो एम्बियंस है, जो यहाँ का जो लुक्स है, माइंड ब्लोइंग। वैसे तो मैं आपको खाने के साथ माइंड ब्लोइंग बोलता हूँ, बट अभी मैं पहले ही बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आप आएंगे तो बोर नहीं होंगे और देख सकते हैं। मैं आपको एक रेस्टोरेंट का एक लुक दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे कोई बोर नहीं होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो रेस्टोरेंट के जो टॉप 10 आइटम्स है वो ये है। आप बहुत ही आइए और बहुत ही मज़े से खाइए, मैं भी टेस्ट करूँगा और आप सबको बताऊँगा। और साथ ही साथ यहाँ पे लाइव म्यूज़िक चलता है, जो कि आप हर वीकेंड्स में चलता है ना, जो कि यहाँ पे हर वीकेंड्स में चलता है। तो फिलहाल मुझे गाना बजाना नहीं आता, तो मैं जस्ट ऐसे ही मैं आपके लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो दोस्तों जैसा कि बताया यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी चलता है एंड साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ही अच्छा मॉकटेल काउंटर है एंड बहुत ही अच्छे तरीके के मॉकटेल्स यहाँ पे मिलते हैं, बहुत ही यमी यमी। अगर कोई अगर जैसे मेरी तरह कोई मॉकटेल प्रेमी हो तो वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मॉकटेल्स पी सकता है। दोस्तों साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा सा मॉकटेल काउंटर के साथ साथ यहाँ पे आपकी अगर आप बोर हो रहे हो, आपको अगर आप मेन रोड में हो, कहीं पे मीटिंग है या आपको एक घंटा डेढ़ घंटा टाइम पास करना है, आप यहाँ पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा कि आप यहाँ पे बैठ के यहाँ पे बुक्स पढ़िए। यू कैन टेक अ बुक, आप अपनी पसंद की कोई बुक लेके जैसे मैंने ली है द सीक्रेट, आप अपनी पसंद की बुक लेके एक कप चाय या कॉफ़ी या कुछ भी मोजिटो या कोई भी मॉकटेल लेके आप आराम से एक घंटा यू कैन स्पेंड अ गुड टाइम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब फूड के साथ म्यूज़िक के साथ आपको एक अच्छा टाइम स्पेंड भी यहाँ पे मिल सकता है। एंड आप भी जानते हैं कि कहीं पे भी जाना है तो एक घंटा वेट करना या दो घंटा वेट करना, रोड में वेट करना कितना ऑड लगता है, तो यहाँ पे यम यम कैफ़े में आप आराम से एक घंटा डेढ़ घंटा वेट कर सकते हैं एंड यू कैन एंजॉय योर कॉफ़ी एंड इफ़ यू आर बुक लवर तो आप यहाँ पे एक बुक पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग की बारी आ गई है, अब हम लोग भी यहाँ पे कुछ बैठते हैं एंड आपको भी बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार बहुत ही यमी चीज़ें आपको मैं खाऊँगा एंड आपको दिखाऊँगा एंड आई होप आपके मुंह में तो पानी आएगा ही। तो लेट्स सी एंड आप इन्जॉय तो बहुत करेंगे। नमस्कार, क्या हाल चाल? सब ठीक है सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। फूड मेनू, ड्रिंक्स मेनू। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक्स है, मॉकटेल्स है एंड लस्सी भी है, ग्रेट। और खाने में भी हर किस्म की चीज़ें है, मैक्सिकन डिशेस है, कॉन्टिनेंटल है, कबाब्स है, मेन कोर्स है, पास्ता है, चॉप्सी है, मोमोज है, बिरयानीज़ है। तो भैया ये बताइए कि यहाँ का सबसे मज़ेदार चीज़, फेमस चीज़ क्या है? तो हमारे यहाँ 10-12 आइटम अच्छे अच्छे चीज़ है। आप तंदूर से ट्राई कर सकते हैं, अफगानी तंदूरी चिकन, तंदूरी सोया चाप, बेवरेज में आप लव मैरिज, देसी मोजिटो, आइस कैपेचिनो। मैंने कुछ सुना लव मैरिज। हाँ लव मैरिज, अच्छा। शेक है
मैं सोचा लोगों की लव मैरिज आप करवाते हैं। नहीं, ये शेक है, इसमें आपका वनीला एंड स्ट्रॉबेरी का परफेक्ट डियो रहता है। ओके, तो आप हमें यहाँ का जो बेस्ट चीज़ है वो खिलाइए और ट्राई ज़रूर करेंगे। और मेरे मन में सर बात आ रही कि ये बताइए लव मैरिज के लिए क्या है, क्या चीज़ कैसे बनाते हैं, क्या है उसमें? शेक है सर, उसमें आपको वनीला स्ट्रॉबेरी क्रस। ओके, नाम क्या लिखा है आपके? ओनर ने लव मैरिज की थी क्या? अच्छा, ओके, चलिए ठीक है। हम लोग जो यहाँ का बेस्ट है वो आप मुझे यहाँ पे खिलाइए। कपल जोन एरिया है, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, इसीलिए हम लोग का। अच्छा अच्छा अच्छा, उसी तो करते हैं। मतलब दोस्तों, अगर किसी को लव मैरिज करनी है, कपल लेके कपल आइए और वो ड्रिंक पीजिए एंड आपकी ये जो रेस्टोरेंट है वो आपको दुआ देगा कि आपकी लव मैरिज हो जाए, कुछ ऐसे ही है क्या? ऐसे कुछ हम लोग का थीम है। ओके, मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाने के लिए सब नाम कुछ डाला गया है। वेरी नाइस, तो जो यहाँ का स्पेशल है जो है वो खिलाइए। तंदूरी सोया चाप। वाओ, तंदूरी सोया चाप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे लिए आया है तंदूरी सोया चॉप, ऑनियंस इसके साथ सर्व किए है और साथ में चटनी है और बहुत ही मज़ेदार लग रहा है ये। ये इसमें क्या यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की पसंद है ये कि क्या है? ये सब काफ़ी लोग पसंद करते हैं क्योंकि ये रोस्टेड चीज़ होता है, तंदूरी सोया चाप। ज़्यादातर रांची में ये सोया चाप बहुत रेस्टोरेंट में हम लोग मिलता नहीं है, हम लोग खास तंदूरी सोया चाप इसलिए लाए। ओके, ये ज़्यादातर आपका दिल्ली साइड में चाप बहुत कोई पसंद करते हैं। दिल्ली NCR के गेस्ट हमारे यहाँ बहुत बार आ चुके हैं, रिकमेंड किए हैं कि चाप आप लोग रखिए, इसीलिए हम लोग चाप मंगवाए। ओके, इसीलिए हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा बिकता भी है रोस्टेड। चलिए अब हम लोग टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, सोया चाप असल में मेरा फेवरेट है और रांची में बहुत कम मिलता है सोया चाप, यहाँ पर मिलता है, तो मैं एक बार ट्राई करता हूँ कैसा है। बहुत ही मज़ेदार, बस दर्शकों दोस्तों ये तंदूरी सोया चाप है और सोया चाप को ये तंदूर में ये लोग रोस्ट करके काफ़ी ज़्यादा फ्लेवर्स, तंदूरी फ्लेवर डाल के, तंदूरी मसाले डाल के सर्व करते हैं चटनी और प्याज के साथ। अभी तो मैं ये खा रहा हूँ एंड अगली डिश मेरी क्या आती है देखते हैं, बट सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैं आपको रिकमेंड ज़रूर करता हूँ कि आप सोया चाप का अगर आपको फेवरेट है मेरी तरह तो खाइए एंड आपके कोई फ्रेंड्स जो सोया चाप के दीवाने हैं मेरी तरह तो उन्हें टैग जरूर कीजिएगा। ये अफगानी तंदूरी चिकन। वाओ, अफगानी तंदूरी चिकन। तो भैया ये इसके क्या यहाँ की स्पेशलिटी कैसे है, अफगानी तंदूरी चिकन कैसे लोग? तंदूरी चिकन सर रोस्टेड है, आपका व्हाइट ग्रेवी से चीज और मीठा सॉल्टी दोनों फ्लेवर आएगा आपका। ओके, आई होप कि मेरा जो तंदूरी सोया चाप मैंने खाया था उससे अच्छा टेस्ट होगा। हाँ, वो तो माइंड ब्लोइंग था ही एंड आई होप कि ये भी अच्छा होगा। इससे भी अच्छा है सर, इसमें आपका वाइट मसाला का हम लोग का ग्रेवी रहता है, काजू। ओके, और आपका चीज, थोड़ा मिर्चा, ये सब मतलब काजू चीज की जो ग्रेवी है उस पर क्रीमी ग्रेवी है। यस, ओके। तो दोस्तों पानी आ रहा होगा आपके मुँह में और बहुत ही यम्मी है। मैंने चटनी के साथ
तो जो मेरी तरह चिकन लवर है वो यहाँ पे खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। मैंने अफ़गानी मोमोज तो खाए थे, अफ़गानी चिकन टिक्का भी खाया है, अफ़गानी तंदूर यहाँ पे बहुत कम जगह में मिलता है। एंड जो यहाँ पे खाएगा ना दोबारा आएगा, एंड दोबारा अगर आप यहाँ पे खाए तो ज़रूर बोलना कि भैया की, दिलबीर भैया की फूड ट्रेंड्स वीडियो देख के मैंने यहाँ पे आया, और बहुत ही मज़ेदार है। जो भी मेरे तरह चिकन लवर है, फूड लवर है, एंड एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्वालिटी फूड एंजॉय करना चाहता है, क्वालिटी म्यूज़िक एंजॉय करना चाहता है, तो यहाँ पे ज़रूर आइए एंड मुझे अभी खाने दीजिए। दिस इज योर प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर। वाओ, प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर। तो दोस्तों अभी तक मैंने खाया था तंदूरी अफ़गानी चिकन और तंदूरी सोया चाप, डैट वॉज रियली माइंड ब्लोइंग, और बहुत ही मज़ेदार है। और अब मेरे सामने ये बहुत ही लजीज डिश है, बहुत ही मज़ेदार है। इट्स अ हाँ प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर, प्रॉन एक सी फूड है और बहुत ही यम्मी लग रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके, बहुत ही अच्छे से आप सजा के, बहुत ही अच्छे से इन्होंने लाया है। सॉल्ट एंड पेपर का टेस्ट होगा, कुछ सॉल्टी सॉल्टी एंड कुछ मसालेदार होगा, बहुत ही मज़ेदार है। और भैया आज इसके बारे में हम लोग को और बताएंगे। बेसिकली प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर है आपका, ये ड्राई आइटम है। ओके, जिनको चिली पसंद नहीं, प्रॉन चिली, जो हल्का खाना चाहते हैं, स्पाइसी कम, उनके लिए प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर बेस्ट है। ओके, हल्का एकदम सॉल्ट होता है पेपर, एक्चुअली बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है जिनको, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं, और अब मैं भी ट्राई करने जा रहा हूँ। तो मैं ये चटनी के साथ खा रहा हूँ, और रियली काफ़ी क्रिस्पी है, एंड आपको KFC का चिकन पॉपकॉर्न की तरह लगेगा। अगर आप KFC में चिकन पॉपकॉर्न खाए हो तो वैसे ही टेस्ट आएगा, बट इट्स नॉट अ चिकन, इट्स अ प्रॉन, एंड स्पाइस नहीं है, स्पाइसी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी है। तो दोस्तों हम लोग ने तीन मज़ेदार डिश खाई है। एक है सोया चैप तंदूरी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, मेरा फेवरेट था, और दूसरा खाया है अफ़गानी तंदूरी चिकन, जो कि मज़ेदार, बहुत ही मज़ेदार, अगर आप चिकन लवर हैं तो ज़रूर खाइए। एंड तीसरा हमने खाया आज प्रॉन सॉल्ट एंड पेपर, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। एंड आप अगर सी फूड लवर है तो रांची में बहुत ही कम जगह है जहाँ पे सी फूड सर्व होते हैं, एंड यहाँ पे वन ऑफ़ दी यम रेस्टोरेंट में वन ऑफ़ दी बेस्ट रेस्टोरेंट है जहाँ पे सी फूड कुछ कुछ सर्व होता है, लाइक प्रॉन उसमें से एक है, और जो कि बहुत ही मज़ेदार था। एंड अभी हम लोग कर रहे हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि पूरे रांची में या झारखंड में शायद ही आपको कहीं मिले, आई डोंट थिंक सो कि मुझे कहीं मिला हो, जो मैं पीने जा रहा हूँ, खाने जा रहा हूँ, लव मैरिज। इट्स अ लव मैरिज शेक। लव मैरिज से आपका वैनिला और स्ट्रॉबेरी क्रश का ड्यूओ। ओके, वैनिला और स्ट्रॉबेरी क्रश दोनों मिला के ये लव मैरिज से बनते हैं। ओके, मेन बेस है वही है, मेन बेस इंग्रेडिएंट। ओके, तो यहाँ पे जस्ट वैनिला एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर साथ में आइसक्रीम है, अंदर आइसक्रीम है, दूध है, क्रीम है। तो दोस्तों आपने लव मैरिज की कहानियाँ सुनी होगी, लव मैरिज की मूवीज देख सुनी होगी, एंड लव मैरिज के रिलेशनशिप्स बहुत देखे होंगे, बट आज मैं लव मैरिज पीने जा रहा हूँ। बहुत ही टेस्टी है, मतलब आप सोचिए कि ये तीन डिश खाने के बाद
ये चौथा डिज़र्ट विल मेक्स यू कम्प्लीट. उनका आपका जो मील है वो कम्प्लीट तभी होगा जब आपको ये जहाँ का बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट, कुछ इस तरीके के शेक्स. तो दोस्तों, मैंने जो लव मैरिज पी रहा हूँ बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही यम्मी है. और आप भी एक अच्छा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, एक अच्छी म्यूज़िक नाइट एंजॉय करना चाहते हैं, जो सैटरडे संडे को यहाँ पे यम यम कैफ़े में चलते हैं वीकेंड्स पे, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार फूड है यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार डेजर्ट्स है. और साथ ही साथ अगर आपको, अगर आप मेन रोड में हैं या लालकू चौक पे है, तो थोड़ा सा कुछ वेट करना है, किसी के लिए वेट करना है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आप आराम से बैठ सकते हैं. यू कैन ऑर्डर अ कॉफ़ी, यू कैन ऑर्डर अ लव मैरिज, या यू कैन ऑर्डर अ कुछ भी, चाय, कॉफ़ी, स्नैक्स, कुछ भी साथ साथ बुक पढ़ सकते हैं. और यहाँ का जो फूड है डैट इज़ माइंड ब्लोइंग, जो मेरे हिसाब से आप जो सुनना चाहते हैं वो मैं आपको फिर से बोला, माइंड ब्लोइंग है यहाँ का. और मुझे आज इजाज़त दीजिए, और आप मेन रोड में हो लालपुर चौक में, पैंटलूम मॉल के जस्ट नीचे बेसमेंट पे है यम यम रेस्टोरेंट कैफ़े, यम यम रेस्टोरेंट. आप भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई मज़ेदार रेस्टोरेंट में बताना चाहते हैं कि मैं किसका रिव्यू करूं, तो ज़रूर मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच. फूड ट्रेंड्स देखते रहिए.